हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपको भाई करण कुमार। आज इस वीडियो में आप लोगों को ये सिखाने वाला हूं, किसी भी फ़ोन में नेटवर्क ना आए तो आप लोग उसे कैसे ट्रेस करोगे, कैसे पता करोगे कहां से दिक्कत है, चाहे वो टच वाला फ़ोन हो चाहे बटन वाले हो। तो आप लोग सिर्फ ये वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। जैसे आप लोग मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हो, आपके पास नेटवर्क के फ़ोन आते हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है, उस प्रकार के फ़ोन आते हैं बनने के लिए, तो गाइस आप लोग ये वीडियो को कट मत करना, क्योंकि गाइस इस वीडियो में मैं बेसिक से आपको बताऊंगा कैसे आप लोगों को सप्लाई ट्रेस करना और कहां से प्रॉब्लम आती। चलो गाइस यहां पर शुरू करते हैं वीडियो को। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग भाई के चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल में इसी प्रकार की वीडियो हरदम देखने को मिलती रहेगी। सबसे पहले गाइस यहाँ पर हम लोग कीपैड वाले फ़ोन से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग टच वाले फ़ोन पर बढ़ेंगे। थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग जानते हो करण भाई कुछ भी सिखाते हैं स्टेप बाई स्टेप बताते हैं, उसके कारण वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है। ये जो टच वाले फ़ोन इन्हें मैं बाहर रख देता हूँ, फिर मैं आपको बाद में बताऊँगा टच वाले फ़ोन पर कैसे आप लोग ट्रेस करोगे, क्योंकि उनमें सिस्टम थोड़ा अलग होता है और इनमें थोड़ा सिस्टम अलग होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर किसी भी फ़ोन में जैसे मान लो इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा, तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप लोगों को बैक पैनल इसका खोल लेना है। ऐसे करके देखो गाइस, मैंने बैक पैनल खोल लिया। पता है नेटवर्क की प्रॉब्लम कहाँ से आती है? ये जो पत्ती लगी रहती है ना, इसी से प्रॉब्लम आती है गाइस। देखो ये जो पत्ती लगी है इसी से प्रॉब्लम आती है, आपको लाइव दिखाऊंगा गाइस। तो आप लोग ये वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना गाइस। थोड़ा यहाँ पर मैं सोल्डिंग आयरन अपनी हीट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे सोल्डिंग आयरन हीट कर लिया गाइस, स्टार्ट हो चुकी है तो वो गर्म हो रही गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी पत्ती से आती है, आपको दिखाता हूँ। अभी मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगा। देखो गाइस ये जो पत्ती है ना, आप लोगों को दिख रहा होगा सब, ये जो पत्ती ना गाइस, देखो ये पत्ती इस प्रकार कसी रहती है। यहाँ पर ये जो कुछ इस प्रकार लगा है रबड़ जैसा, इसमें कसी रहती है। और यहाँ पर देखो ये जो दो होल हैं, ये दो होल नीचे जाते हैं गाइस, पीसीबी के साथ अटैच होते हैं। और ये देखो यहाँ से लूज हो जाते हैं, ये देखो लूज है ना, तो ये दोनों पॉइंट आपस में मतलब पीसीबी पे टच नहीं होते। जहाँ पर जीएसएम और ग्राउंड के प्रिंट दिए रहते हैं, ये दोनों पॉइंट उस पर टच होते हैं और ये टच नहीं होते, उसका नेटवर्क की इशू आती है गाइस। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसके, देखो यहाँ पर ये जो पत्ती है ये अच्छी तरह कसी नहीं है, नीचे टच नहीं हो रही, इसका इस फोन में नेटवर्क इशू आएगी गाइस। ठीक है, तो पहले स्टेप पे आपको इसी पत्ती को देखना, अच्छी तरह से आप लोगों को पत्ती को देख लेना। जैसे यहाँ पे पत्ती लूज हो तो आप लोगों को फ़ोन को खोल के यहाँ पर जंपर मार देना होगा। कैसे मारना होगा मैं अभी आपको दिखाता हूँ गाइस लाइव। तो आप लोग देख लो, पहले केस में आपको यही देखना, यही ख़राब होती गाइस, कीपैड फ़ोन में यही ख़राब होती है और कुछ नहीं ख़राब होता है, तो इसे हम लोग बाहर रखेंगे। इसी प्रकार गाइस ये फ़ोन है, कोई भी कीपैड फ़ोन होता है सब में इस प्रकार होता है गाइस। देखो ये इसमें आप लोग देखोगे ना, इसमें अंदर पत्ती लगी, यहाँ पर नहीं लगी, इसमें अंदर पत्ती लगी गाइस, किसी फ़ोन में अंदर लगी रहती है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इसमें देखते बाहर लगी या अंदर। देखो गाइस इसमें आप लोग देख सकते हो बाहर लगी है पत्ती। ठीक, अब यहाँ पर आप लोग देखो इसमें नेटवर्क आएगा फुल, इसमें नेटवर्क आएगा फुल, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो पत्ती ना, देखो यहाँ पर इन प्रिंट के साथ कैसे कसी है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, कोई भी प्रिंट यहाँ पर लूज नहीं है, देखो बिल्कुल कसी है गाइस, आप लोग यहाँ पर देख लो। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले यही पत्ती को देखना है, यहाँ पर जैसे वो लूज हो तो आप लोगों को फ़ोन को खोलना होगा और यहाँ पे जंपर मारना होगा गाइस। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ जंपर कैसे मारोगे और कैसे ट्रेस करना होगा, कैसे आप लोगों को करना होगा सब कुछ। थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, इतना आप लोग ध्यान रखना गाइस, क्योंकि मैं कुछ भी सिखाता हूँ स्टेप बाई स्टेप बताता हूँ, वीडियो को कुछ भी कट नहीं करता हूँ। यहाँ पर देखो फटाफट मैं सारे स्क्रू को इसमें खोल लेता हूँ, जितने भी स्क्रू लगे हैं, तो फिर आपको दिखाता हूँ जंपर कैसे मारना होगा गाइस। आप लोग जो भी कमेंट करते हो करण भाई इसके ऊपर वीडियो बनाइए, आपको वीडियो मिलेगी, थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि गाइस अकेला आदमी हूँ और जब समय मिलता है वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आप लोग टेंशन मत लेना, एक दो दिन का समय लग सकता है और उसके बाद भी तुरंत आपको वीडियो भी देखने को मिल जाएगी गाइस। यहाँ पर देखो मैंने सारे स्क्रू को खोल लिया है, अब इसका हम लोग मदर बोर्ड ऐसे करके बाहर निकालेंगे गाइस। सारे स्क्रू को आप लोगों को खोल लेना अच्छी तरह, तभी ये फ़ोन खुलेगा, आप लोग ध्यान रखना गाइस। ये देखो मैंने खोल लिया है जी, अब ये ऐसे करके हम लोग इसे निकालेंगे गाइस। और यहाँ पर गाइस ये बड़े उससे पैक है, यहाँ पर मुझे पेचकस का यूज़ करना होगा ओपनर का। वीडियो कुछ भी कट नहीं करूँगा, सॉरी गाइस। यहाँ पर देखो यार इसका ये खुल नहीं रहा, ये लगा है ना इसमें, सॉरी गाइस, अब ये खुल जाएगा फट से। इसमें ये लगा, इसका ये खुल नहीं रहा, कैसे आप लोग इसे कट कर देना,
देखो ये खुलने में दिक्कत होगी, आप लोग इसे कट कर दोगे ना तो जल्दी खुल जाएगा। ओके गाइस, यहाँ पर देखो मैंने इसे खोल लिया है और आप लोग अच्छी तरह से खोलना। अब यहाँ पर आपको पास से दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो दो पॉइंट दिख रहा है ना गाइस, देखो आपको क्लीन दिख रहा होगा दो पॉइंट। यहाँ पर एक पॉइंट हमारा होता है ग्राउंड से जुड़ा होता है, एक पॉइंट होता है GSM जिससे नेटवर्क आता है। गाइस दोनों पॉइंट मगर ग्राउंड से जुड़े होते हैं, मगर यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे एक पॉइंट ग्राउंड से, एक पॉइंट GSM। किसी किसी फ़ोन में लिखा रहता है GSM लिखा रहेगा और किसी किसी में लिखा रहेगा GND, मतलब एक पॉइंट ग्राउंड से जुड़ा रहेगा, एक पॉइंट GSM के साथ जुड़ा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख लो, अब यहाँ पर आपको करना क्या होगा गाइस मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको दो जंपर मारना है गाइस, ठीक है, दो जंपर मारना है बस गाइस। और डायरेक्ट आप लोगों को चेक कर लेना है, दो जंपर मारना है यहाँ पे और यहाँ पे सिम लगाना है और यहाँ पे सेट को ऑन करके देख लेना, फुल नेटवर्क आ जाएगा, फ़ोन को कसना नहीं पहले, ठीक है। तो जंपर कैसे मारोगे चलो वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ गाइस। यही से प्रॉब्लम आती है और कहीं से प्रॉब्लम नहीं आती है इस केस में गाइस, जो कीपैड फ़ोन होते हैं अधिकतर। तो यहाँ पर मैं जंपर मारने जा रहा हूँ गाइस। यहाँ पर देखो सबसे पहले हम लोग पेस्ट लगाएंगे, क्योंकि हम लोग जब भी जंपर मारेंगे सबसे पहले पेस्ट लगाएंगे। ये मैंने पेस्ट लगा लिया, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि इसी में मैं आपको टच वाले फ़ोन के बारे में भी बताने वाला हूँ इसी वीडियो पे, क्योंकि आप लोगों ने यार कमेंट किया था उसके हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ गाइस। आप लोगों को प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार चाहिए गाइस। यहाँ पर देखो अब मैं जंपर मारने जा रहा हूँ, पहले हम लोग इस वाले पॉइंट पर करेंगे। अच्छी तरह से आप लोगों को जंपर मारना है गाइस। यहाँ पर देखो एक पॉइंट पे मैंने कर दिया है गाइस, आप लोग देख लो एक पॉइंट पे मैंने जंपर मार दिया, अभी आपको पास से दिखाऊंगा। अब यहाँ पर आप लोगों को इस प्रकार वायर कट कर देना है ऐसे करके, और दूसरा जंपर भी आप लोगों को इस प्रकार मार लेना है उस वाले पॉइंट में भी, इसमें भी आपको उसी प्रकार मार देना है ऐसे करके। पेस्ट ज़रूर लगा लेना है, या आप लोग यहाँ पे सोल्डिंग नहीं कर पाओगे गाइस। इस प्रकार गाइस आपको जंपर मार लेना है, ये पहला स्टेप है, ठीक है। अब आपको पास से दिखाता हूँ, देखो गाइस यहाँ पर आप लोगों को क्लीन दिख रहा होगा गाइस। देखो दो जंपर मारना है, एक इधर वाले पॉइंट पे, एक इधर वाले पॉइंट पे। अब डायरेक्ट यहाँ पर आपको सिम लगाना है और यहाँ पर बैटरी लगाना है और सेट को ऑन करके देख लेना गाइस, 100% फुल नेटवर्क आ जाएगा। आ रहा है फुल नेटवर्क, तो आप लोगों को ऐसे करके देखो ये इसका बॉडी उठाना है और यहाँ पर ये जो जहाँ पर ये पत्ती आई रहती है यहाँ पर आप लोगों को ये जो हमारा वायर रहेगा ये जंपर वाला यहाँ से आप लोगों को निकालना है बाहर और वहीं पर आप लोग कहीं पर इसे सोल्डिंग कर देना गाइस इस प्रकार, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोगों को जंपर मार लेना है, 100% फ़ोन बन जाएगा। अब इसी में मैं आपको बताऊंगा इसी फ़ोन में, क्योंकि गाइस वहाँ पर दो फ़ोन है तो एक फ़ोन में मैं बता दूंगा, आप लोग सब कुछ समझ जाओगे। कोई भी फ़ोन आएगा तो आप लोग बना लोगे जैसे नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है उस फ़ोन में, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, आप लोग जैसे मान लो फिर भी नेटवर्क ना आए तो आप लोग करोगे क्या, देखो यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखो जब आप लोग कितना काम कर लेते हो, एक तो बात है 100% पहले ही स्टेप में नेटवर्क आ जाएगा जब आप लोग इस प्रकार यहाँ पर जंपर मारोगे, क्योंकि इस जो पत्ती होती है यहाँ पे टच नहीं होती है उसका नेटवर्क नहीं आता है। और फिर भी नेटवर्क ना आए तो अब यहाँ पर आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको थोड़ा लाइन दिखाई देगी, यहाँ पर गाइस मैं इसे साफ़ कर लेता हूँ क्योंकि गाइस यहाँ पर कचरा उचड़ा है। आपको स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी इतना मैं कह सकता हूँ गाइस। यहाँ पर मैं ऐसे करके इसे साफ़ कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर धूल लगी है और पेस्ट भी लगा है ऐसे करके। आपको पास देखूँ यहाँ पर मैंने साफ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे ना, देखो यहाँ पर ये लाइन गई, देखो आपको दिखाता हूँ पास से, तो आप लोग वीडियो कट मत करना, ठीक है। यहाँ पर ये देखो एक लाइन ये यहाँ इस वाले पॉइंट से ये लाइन आई है, इस कंपोनेंट पे गई है और यहाँ से आते हुए इस कंपोनेंट में गई है, यहाँ से ये अंदर गई, ठीक। और इसी प्रकार इसमें है, देखो ये एक लाइन आई है, इस कंपोनेंट में गई है, यहाँ से जाते हुए इस रेजिस्टेंस में आई। आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, इस रेजिस्टेंस में देखो, इस रेजिस्टेंस में आई और यहाँ से आते हुए इस पॉइंट पर आई, यहाँ से आते हुए इसके अंदर गई, इसके अंदर हमारी नेटवर्क वाली IC होगी वहाँ पे गई। तो गाइस इस प्रकार आपको ट्रेस करना है, यहाँ पर आप लोगों को क्लीन दिख रहा होगा। देखो जैसे मान लो यहाँ से ये लाइन कट जाएगी, यहाँ पर कट ही दिखाई देगी, ठीक है, यहाँ पर कट ही दिखाई देगी, उसके कारण नेटवर्क नहीं आता फ़ोन में। यहाँ पर भी जैसे पानी गया होगा या कुछ भी गया होगा, यहाँ से लाइन कभी कभी कट जाती है। तो आप लोगों को इस प्रकार गाइस चेक कर लेना, यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल क्लीन दिख रहा होगा, किसी भी फ़ोन पर नेटवर्क ना आए। तो गाइस आप लोग इस प्रकार यार उसे देख सकते हो, ट्रेस कर सकते हो। अब चलो यहाँ पर मल्टीमीटर से मैं आपको ट्रेस करके दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पर इस वाले पॉइंट से कहाँ कहाँ सप्लाई जा रही, इस वाले पॉइंट से कहाँ कहाँ सप्लाई जा रही। तो आप लोग बने रहो इस वीडियो में गाइस, आपको इस प्रकार की वीडियो सारे यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगी। अब गाइस यहाँ पर देखो
ट्रेस करने के लिए आपके पास कोई भी मल्टीमीटर होना चाहिए। जो भी मल्टीमीटर है उसकी स्विच घुमाकर आप लोग बीप की मोड में कर लेना, बजर की मोड में। यहाँ पर मैंने कर लिया गाइस, आपको डिस्प्ले बस शो होगी। पर देखो जैसे हम लोगों को चेक करना है यहाँ से सप्लाई कहाँ तक जा रही है। देखो इस वाले पॉइंट पे आपको ऐसे करके रखना है, देखो इस वाले पॉइंट पे, एक पॉइंट पे। अब यहाँ पर जो इसके आसपास कंपोनेंट दिए हैं इस पे आपको टच करना है। देखो यहाँ पे बीप बोला, इसका मतलब यहाँ से लाइन आती है इस कंपोनेंट में। अब हम लोग इधर देखेंगे, देखो यहाँ बोला, यहाँ से इस कंपोनेंट से आते हुए इस कंपोनेंट में आती है। अब यहाँ हम लोग चेक करेंगे, देखो इस कंपोनेंट में आती है। इस प्रकार का इस लाइन आती है। मान लो जैसे यहाँ पर बीप की आवाज़ ना आए तो आप लोग समझ लेना इसके बीच से यहाँ पर कहीं पर लाइन कटी है, और आप लोग यहाँ से एक जंपर मार के यहाँ पे मार सकते हो, फ़ोन बन जाएगा। इसी प्रकार हम लोग इस पर टच करेंगे, ठीक। देखो ये, देखो इस पॉइंट से यहाँ तक सप्लाई आती है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस है, देखो ये रेजिस्टेंस पे आती है। इसके आगे यहाँ पर इस पॉइंट पे आती है, देखो आ रही सप्लाई, ठीक आ रही, कोई भी दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर जाती है इसके अंदर, यहाँ पर गाइस नेटवर्क वाली ऐसी होगी, और इस पॉइंट से जाते हुए वहाँ पर कुछ कंपोनेंट भी लगे होंगे, उनमें आती है, उनमें आने के बाद फिर जाती है नेटवर्क वाली ऐसी। इस प्रकार का इसे आपको ट्रेस करना है, मैंने आपको बता दिया। किसी भी फ़ोन पर नेटवर्क ऐसी आ रही है तो आप लोग इस प्रकार बना सकते हो, मैंने आपको यहाँ पर लाइव दिखाया गाइस, ठीक है। अब इसे आप लोगों को पैक कर देना गाइस, फ़ोन को 100% आप लोगों का फ़ोन बन चुका। कोई भी फ़ोन आएगा जैसे उसमें नेटवर्क नहीं आ रहा तो आप लोग इस प्रकार बना सकते हो गाइस, मैंने आपको सब कुछ बताया ट्रेसिंग। और गाइस आप लोग टेंशन मत लीजिए यार, जो भाई कमेंट करेंगे करण भाई इसके ऊपर वीडियो बनाइए, तो आपको 100% वीडियो मेरे चैनल पर मिलेगी देखने को। अब गाइस यहाँ पर देखो मैं इसे पैक करने जा रहा हूँ, क्योंकि गाइस इस फ़ोन में नेटवर्क इशू थी इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को दिखाना चाहिए। अभी मैं यहाँ पर गाइस हो सकेगा यहाँ पर आप लोगों को सिम लगाकर भी दिखा दूँगा, और इसे आप लोगों को ऐसे यहाँ से बाहर निकालना, तो थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी गाइस। ये यहाँ से आप लोगों को बाहर निकालना है जैसे मैं कर रहा हूँ, ये होल से मैंने निकाल लिया, और इस प्रकार आपको इसे पैक कर देना गाइस। यहाँ पर थोड़ा मैं जूम आउट कर लेता हूँ गाइस, आप लोगों को दिखे अच्छी तरह से। ये मैंने यहाँ पर जूम आउट कर लिया है, इसे हम लोग उसी प्रकार पैक कर देंगे गाइस, माइक लगा देंगे, ओके। अब यहाँ पर हम लोग इसकी बॉडी लगा देंगे ऐसे करके, ऐसे करके, तो वो इस मैंने इसे पैक कर दिया। और यहाँ पर देखो दो वायर मैंने निकाल लिया, ठीक आपको दिख रहा होगा, देखो दो वायर। अब दो वायर आप लोग यहाँ पर ऐसे करके, देखो ऐसे करके यहाँ पर आप लोग ऐसे सोल्डिंग आयरन की मदद से यहाँ पर आप लोग थोड़ा गर्म करके सोल्डिंग आयरन को ऐसे करके कर देना, ऐसे करके देखो यहाँ पर चिपका देना ऐसे करके। आपको बता रहा हूँ ये तरीका आपको कोई नहीं बताएगा जैसे मैं बता रहा हूँ गाइस, हल्के हाथों से कर देना। यहाँ पर देखो मैंने इसे चिपका दिया, अब यहाँ पर ये रुका रहेगा, और इसका जो बड़ा वाला वायर है यहाँ पर आप लोग कट कर सकते हो, ज़्यादा बड़ा हो जाए तो आप लोग कटर की मदद से ऐसे करके कट कर देना। देखो मैंने कट कर दिया गाइस। इस प्रकार आप लोग बना सकते हो, आपके पास कोई भी कीपैड फ़ोन आता है जैसे उसमें नेटवर्क ना आए तो आप लोग इस प्रकार बनाइए गाइस। यही 32 प्रॉब्लम आती है अधिकतर कैसे, और यहाँ पर मैंने आपको सप्लाई भी चेक करना सिखा दिया कैसे आप लोग ट्रेस करोगे। अब यहाँ पर जैसे मैं सिम लगाऊंगा और इसमें बैटरी लगाऊंगा गाइस, ये 100% फ़ोन ऑन हो जाएगा गाइस और फुल नेटवर्क आएगा गाइस, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हो इस प्रकार हम लोग नेटवर्क वाले इशू वाले फ़ोन को इस प्रकार बनाते हैं गाइस। अब यहाँ पर मैं बात करूँगा टच वाले फ़ोन की, तो गाइस थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग देखोगे पूरी वीडियो, इसी वीडियो में चलो कवर करता हूँ टच वाले फ़ोन को भी, ठीक है। यहाँ पर देखो ये टच वाला फ़ोन है गाइस, अब हम लोग इसे ओपन करेंगे, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, 25-30 मिनट की हो जाएगी वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये मैंने इसका सिम ट्रे निकाला, ये मैंने सिम ट्रे निकाल लिया, सिम है गाइस। अब फटाफट हम लोग इसका बैक पैनल खोलेंगे, आप लोग पूरी वीडियो देखना गाइस, थोड़ा लंबी हो जाएगी वीडियो। इसमें भी बताता हूँ प्रॉब्लम कहाँ से आती है गाइस, मुझे सब चीज़ पता है गाइस, मगर यहाँ पर तीन चैनल चलाता हूँ गाइस, और तीनों चैनल पे अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहा हूँ गाइस, अकेला आदमी हूँ क्या करूँ यार। यहाँ पर देखो मैंने इसे खोल लिया है गाइस। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले पता कहाँ से प्रॉब्लम आती है, जो हमारी ये केबल दिखाई देती है ब्लैक कलर में, RFF केबल। कभी भी आप लोग जैसे चार्जिंग पिन लगाते हो, लगवाते हो कहीं पर जाके, तो यहाँ से प्रॉब्लम आती है। जो रिपेयरिंग वाले रहते हैं, ये नेटवर्क वाली केबल है RFF केबल, इसे लगाना भूल जाते हैं बोर्ड पे, ये जो PCB है इस पर लगाना भूल जाते हैं गाइस, तभी यहाँ से प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले स्टेप पे आपको करना क्या होगा, ये जो रिंगर जहाँ पे लगा रहता है इसे आप लोगों को ऐसे करके खोलना है गाइस। एक वीडियो और बनाऊंगा टच वाले फ़ोन के लिए, मगर इसमें कुछ आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, उसमें मैं अलग से आपको डिटेल में बताऊंगा, थोड़ा बहुत आपको इसमें बताता हूँ गाइस, थोड़ा बहुत आप लोग जान लीजिए। एक वीडियो और बनाऊँगा टच वाले फ़ोन की अलग गाइस, नेटवर्क इशू रहेगा तो, मगर इसमें आप लोग समझ लीजिए। इसमें भी मैं कोशिश करूँगा पूरा आप लोगों को दिखा पाऊँ और समझा पाऊँ। यहाँ पर देखो मैं इसमें सारे स्क्रू खोल रहा हूँ गाइस, इस प्रकार आपको खोल लेना है जैसे मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, फटाफट जल्दी जल्दी।
और फिर मैं आपको दिखाता हूँ इस कैसे आप लोग इसमें भी ट्रेस करोगे, क्योंकि आप लोग जानते हो करण भाई कुछ भी सिखाते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, वीडियो को कुछ भी मैं कट नहीं करता हूँ। यहाँ पर देखो मैंने खोल लिया गाइस, अब यहाँ पर आप लोग देखोगे, आपको पास से दिखाता हूँ, और पास करण। तो गाइस आप लोगों को दिख रहा होगा आई होप। अब यहाँ पर देखो ये जो हमारा नेटवर्क वाला वायर है गाइस, मान लो तार आप लोग बोल सकते हो, यहाँ से देखो यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, यहाँ से ये और यहाँ से आते हुए मदरबोर्ड पे टच होता है गाइस। अब यहाँ पर देखो कभी कभी ऐसा होता है जैसे आप लोग चार्जिंग पिन लगाते हो या जो भी भाई रिपेयरिंग करते हैं, बाई चांस इसे भूल जाते हैं लगाना, तब नेटवर्क इशू आती। तो आप लोग इसे एक बार लगा के देख लीजिए, और ये जो वायर है RFF केबल ये मिल जाता है आसानी के साथ, तो आप लोग इसे एक बार चेंज करके भी देख लीजिए, जैसे नेटवर्क नहीं आ रहा आप लोग इसे बदल के देख लीजिए। वायर नहीं मिल रहा तो गाइस आप लोग यहाँ पर दो जंपर मारिए, दो पॉइंट पे आपको यहाँ पे जंपर मारना होगा, जंपर वायर लेकर आपको इधर भी जंपर दो पॉइंट मार देना होगा, इस बार आपको करना गाइस, ठीक है। तो नेटवर्क 100% आ जाएगा, फिर भी ना आए तो गाइस आपको करना क्या होगा, देखो ये PCB को चेंज कर देना, एक बार आप लोगों को ये PCB को चेंज करके देख लेना, क्योंकि गाइस इस PCB भी आप लोग देखोगे इसके आसपास छोटे छोटे कंपोनेंट लगे रहते हैं, ये भी ख़राब हो जाते हैं तब नेटवर्क इशू आती है, क्योंकि जल्दी से नेटवर्क ऐसी नहीं ख़राब होती टच वाले फ़ोन में। तो आप लोगों को ये PCB को भी चेंज करके देख लेना है, जब आप लोग PCB ना ही लगा लोगे फिर आप लोग चेक करना नेटवर्क आ जाए तो ठीक है, अभी भी नेटवर्क ना आए तो गाइस फिर आप लोगों को यहाँ पर गाइस करना क्या होगा, इसका कवर खोलना होगा और यहाँ पर फिर आपको नेटवर्क वाली IC पे काम करना गाइस, इतना आप लोगों को काम करना 100% नेटवर्क आ जाएगा। कुछ भाई ये कहेंगे करण भाई तुमने नेटवर्क वाली IC इसमें दिखाया ही नहीं टच फोन में, देखो गाइस मैंने क्या बताया, एक वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कैसे आप लोग उसे ट्रेस करोगे, कहां पर कहां सप्लाई जाती है टच वाले फ़ोन में, क्योंकि गाइस देखो कीपैड में तो मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, ट्रेस भी करके दिखा दिया कहां से कहां तक सप्लाई जाती है, और यहाँ पर होता क्या है गाइस, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ट्रेस करना होगा। और देखो जो भाई मोबाइल रिपेयरिंग सीख रहे हो आप लोग जानते हो करण भाई स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, यहाँ पर 30-40 मिनट की वीडियो हो जाएगी, इस पर कवर नहीं करूँगा, आप लोग थोड़ा बोरिंग हो जाओगे ना या ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, तो एक वीडियो और बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कैसे आप लोग ट्रेस करोगे सिर्फ टच वाले फ़ोन की, ठीक है। इस प्रकार आपके पास कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन या कीपैड फ़ोन आता है तो आप लोग उसे कैसे ट्रेस करोगे नेटवर्क के इशू में गाइस, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो लोग अभी तक भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब और लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल में इसी प्रकार की वीडियो हरदम देखने को मिलती रहेगी। अब गाइस यहाँ पर मैं इस फोन को पैक कर लेता हूँ और मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग टेंशन मत लीजिए, जो भी भाई कमेंट कर रहे हो आपको हर एक कमेंट के ऊपर वीडियो देखने को मिलेगी, थोड़ा समय लग जाएगा क्योंकि गाइस अकेला आदमी हूँ यार और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, फिर भी यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ डेली वीडियो बनाने की आप लोगों के लिए देता रहूँगा, और आप लोगों को फ्री में मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सिखाता रहूँगा। कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर चाहिए तो आप लोग इंस्टाग्राम में जाइए, आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा, मैसेज करना होगा बस गाइस। और इंस्टाग्राम की आईडी है KKDanceInstant, यहाँ पर शो कर दूंगा, जब वीडियो को एडिट करूँगा शो कर दूंगा, और यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी भी दे दूंगा, आप लोग जाके पहले फॉलो करो, और वहाँ पर कुछ भी दिक्कत हो रही नंबर चाहिए तो आप लोग मैसेज करो, आपको नंबर भी मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और इस प्रकार आप लोग बना सकते हो, कोई भी फ़ोन आपके पास नेटवर्क इशू में आता है तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप चलिए, 100% फ़ोन सही हो जाएगा।